सर यहाँ पे देख लीजिए ऐसे ही। और जो डायरेक्टर सर हैं, प्रोड्यूसर सर हैं, उनके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे, कैसा सिस्टम रहा अभी तक का? अब मुझे पूछ रहे हैं जी, ठीक है। सबसे पहले थैंक यू, आप लोग सब आए यहाँ पर। एंड ये फिल्म एक बहुत ही प्यारी फिल्म है, इन अ वे ऑफ अपने अंदर के साहस को, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को, अपने अंदर के की ब्रेवरी को ढूंढना। और ये टॉपिक अतुल जी ने मुझे बहुत टाइम पहले बताया था और मैंने तुरंत ही उसी एक ही मीटिंग में बता दिया था कि ये प्रोजेक्ट करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। एंड अतुल जी के साथ काम करने में हमेशा एक प्यारा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि वो हमेशा एक कंफर्ट देखते हैं एक्टर का, वो और उनकी टीम। एंड जब एक एक्टर को कंफर्ट मिलता है तो वो परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत दिख जाता है एंड यू फील बेटर ऑनेस्टली। सो वो तो एक रहा है, स्पेशली प्रोड्यूसर के सपोर्ट के साथ ही ये होता है। एंड बस आई एम जस्ट वेटिंग, क्योंकि ये जो एक टॉपिक है काफ़ी मॉडर्न है, क्योंकि आज के जनरेशन्स को, स्पेशली पीपल ऑफ माई एज, सारे एजेस इनफैक्ट को ये देखने की ज़रूरत है कि सारी ताकत तुम्हारे अंदर है, तुमको बस इसके बारे में जानने की ज़रूरत है और जानने के बाद तुम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो फॉर द गुड, फॉर द बेटर ऑफ द वर्ल्ड। एंड अगेन थैंक यू टू अतुल जी फॉर ऑफरिंग मी दिस प्रोजेक्ट, बहुत ही अच्छा लगा। अतुल, टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, वेरी टैलेंटेड जी। अतुल जी, कश्मीर में वैसे भी बहुत सारी फिल्में आई हैं, कश्मीर फाइल्स की बात हो, जब भी ऐसी बातें होती हैं तो हमें जहन में तुरंत आता है आतंकवादी माहौल होगा, लड़ाइयाँ दिखेंगी, फौजी अलग है, आपकी फिल्म क्या अलग कहानी? हमारी फिल्म जो है ये 1947 में जो कुछ हुआ वो आज तक किसी फिल्म में नहीं आया, किस तरीके से एक्सेशन हुआ कश्मीर का, तो वो आपको इस फिल्म में देखेंगे। ज़्यादातर एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो आतंकवादी के कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्शन है, बहुत कुछ आपको देखने मिलेगा इन अ वे जो कि स्टोरी को आगे लेकर जाता है। हम यहाँ पर कोई भी चीज़ को ग्लोरीफाई या आगे एक्सप्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। इनफैक्ट मैंने पहले ही चर्च रखी थी सर को कि यहाँ पर हमें ना वो थ्रिल ऑडियंस को वो यू नो बहकाने के लिए नहीं बनाना है, जो भी एक मैसेज के साथ बनाना है। तो सर ने फिर वही उसी तरीके से बनाया और इसी तरीके से डेवलप किया इस प्रोजेक्ट को। एंड लाइक ही सेड, यू नो, जो चीज़ पहले नहीं हुई है वो इसमें देखने को आ रही है। शायद टॉपिक फेमिलियर हो ना हो, लेकिन यस आई एम एक्साइटेड, क्योंकि मैं भी एक अलग कैरेक्टर में हूँ इसमें। तो हमारे जो पहले फिल्में हमने देखी है, फौजी की लड़ाई होगी, आतंकवादी आएंगे, सुंदर कश्मीर को किस तरीके से लूटा जा रहा है, ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, तो ये तो हमने देखा है। इस फिल्म में हमें खासियत क्या और खास देखने को मिलेगी, क्योंकि अब जब भी लोग नाम सुनेंगे तो कश्मीर फाइल के बाद आगे क्या देखेंगे उस चीज़ का इंतजार है, तो क्या खासियत है? देखिए, कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है उससे एक रेफरेंस आप ले रहे हैं, बाकी मेरा उससे कोई किसी तरीके का कोई तुलना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कंटेंट में कोई बराबरी नहीं है। ये तो फिल्म का नाम अपने आप में जो कह रहा है, ये कह रहा है कश्मीर एनिग्मा ऑफ पैराडाइज। तो कश्मीर एक एनिग्मेटिक है, ये हमारा एक टेक है, ये हमारा कंक्लूजन है कि कश्मीर जो है उसको दूसरे हिंदी में कहें तो कश्मीर एक पहेली बन गया। क्यों बन गया, क्या इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, और क्या किसी फिल्म में, किसी भी फिल्म ने इस चीज़ पर विचार किया कि कश्मीर क्या, क्या से क्या हो गया? मैं रिपीटेड भी उसको कहूँगा कि क्या था कश्मीर और क्या हो गया, क्या ऐसे कारण रहे जो कि आज कश्मीर की ये स्थिति हो गई है। तो इन सब चीज़ों को समेटते हुए कहानी को बुना गया है और एक नया प्रयोग इसमें किया जा रहा है। मैं आपको बताऊँ कि रियलिटी को, जो जो इतिहास है उसको फिक्शन के साथ मिक्स किया गया है। ऐसा प्रयोग किसी फिल्म में नहीं हुआ है, ये हम एक नया प्रयोग इसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका सवाल वो मुझे समझ में नहीं आया जो आपने कहा कश्मीर को लूटा जा रहा है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हम इसके जो, इसका जो एनिग्मेटिक
अप्रोच एनिग्मा जो हो गया है। और दूसरा एक और बात मैं कहूँगा, हमें बहुत ये समझने की ज़रूरत है कश्मीर के बारे में कि कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, तो क्या स्वर्ग की यही नियति होती है कि सब लोग उस पर आक्रमण करना चाहते हैं, इंद्र भी आक्रमण करना चाहते हैं, दूसरे लोग भी आक्रमण करना चाहते हैं, उसको उसके ऊपर अपना कब्जा करना चाहते हैं, कहीं यही तो एक वजह नहीं रही कश्मीर की आज जो स्थिति हो रही है, तो वो क्या कारण रहे हैं? हम उसके डीप में जाके वो सारे की पड़ताल करना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से, और उसको समझना भी चाहते हैं कि क्या। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको कश्मीर के बारे में बिल्कुल एक नई अप्रोच मिलेगी। हजारों किताबों एक मैं कह सकता हूँ आतिशयोक्ति नहीं हो तो कश्मीर के बारे में एक के अलावा आपकी फिल्म में और कौन-कौन से कलाकार, इसमें बहुत सारे लोग हैं, पूरी लिस्ट आपको दी जाएगी। मैं तो कहूँगा कि बॉलीवुड के कम से कम 30 ऐसे बहुत सेलिब्रिटी लोग इसमें काम कर रहे हैं, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। अभी अभी हम लोग यहाँ दर्शील सफारी हैं, रामगोपाल बजाज हैं, विनीत शर्मा हैं, इनका एक सीक्वेंस है वो हम शूट कर रहे हैं। आपने कुछ देर पहले कहा कि बहुत सारी ऐसी रियलिटी आपने फील करी है और अब लोगों को अपने किरदार के जरिए बताएंगे, तो एक आध चीज कश्मीर का नाम आते ही सबसे पहले आपके जहन में आता हूँ? नेचर और कुछ नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं पिछले महीने गया था वहाँ पर, डल लेक में हमारा शूटिंग था, मैं कोई और फिल्म कर रहा था और वहाँ पर शिकारा में बैठे थे हम, और मेरी अब पता है वो सीटिंग पर बैठना होता है, मैं नाव के एंड पर जाकर बैठ गया था और मैंने बस अपनी आंखें बंद की, क्योंकि वहाँ पर ऐसा पता नहीं, ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम इंडिया में हो या तुम कहाँ पर हो, तुम जैसे सर ने कहा स्वर्ग है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्ग से सबसे करीब अगर आपको एक्सपीरियंस करना हो तो आप कश्मीर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने वो जो एक्सपीरियंस किया है वहाँ पर, वो मेरे लिए हमेशा एक प्यार, देखो स्माइल ही नहीं जा रही मेरे मुँह से, क्योंकि मैं सोचता हूँ उस जगह के बारे में, एंड देखते हैं अभी और फ्यूचर में, ये मेरी दूसरी फिल्म है वहाँ पर, सो या होपिंग फॉर द बेस्ट। अच्छा काम करती है, सारी सरकार अच्छा काम करती है, वो तो उसमें मुझे कुछ खास नहीं कहना है, तो काम डेवलपमेंट के काम है, पहले भी हुए हैं, अभी भी हो रहे होंगे, और मैं एक्चुअली मैं डेवलपमेंट पे नहीं जाना चाहता, मेरा जो है वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के लोगों की जहनीत से संबंध है, क्योंकि सिनेमा जो है वो सरकारों के कामकाज का लेखा जोखा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि सरकार क्या कर रही है उसके लिए आप लोग पत्रकारिता का, पत्रकार लोगों का काम वो है, सिनेमा का काम सरकारों का लेखा जोखा करना या सरकारों की के बारे में बात करना या सरकारों के एजेंडे को सिनेमा में लेके आना, बिल्कुल भी वो काम हमारा नहीं है, हम उसमें नहीं करते, हम तो संस्कृति में काम करने वाले लोग हैं, कला के लोग हैं, हम उस दृष्टि से सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं, और हमारा जो अप्रोच है वो बहुत डीप है, सरकारों का जो अप्रोच होता है वो बहुत समय सापेक्ष होता है, बहुत बहुत शॉर्ट टर्म होता है। ये तो थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत इंटेंस सीन है। ये बता दीजिए।